एवरीवन, तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो बस अभी सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 6 बज रहे हैं, फजर का टाइम ऐसे समझ लो। तो अभी नमाज पढ़ के हमने जाना मुल्तान की तरफ, और फिर वहां से ट्रीटमेंट होनी है। तो अभी टाइम है नहीं तैयार होने जल्दी, और वहां फिर रवाना होना है, क्योंकि हमने पहुंचना जल्दी, ताकि जल्दी वहां पे नंबर मिले, जल्दी हम फ्री हों, जल्दी वापस आ जाए पास। तो अभी हम यहाँ पे पेट्रोल मतलब डलवाने पंप पे ठहरे थोड़ी देर के लिए, तो पेट्रोल डलवा लें, उसके बाद हमने आगे जाना है। और जवाद खान को सर्दी लगी हुई है बहुत ज़्यादा, हालांकि आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस मेरे हम बालों बालों को क्या हो गया? बस ये आज नींद में से उठ के ना, बस इसने आने ही किया है। मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ, क्योंकि मुझे पता था बाहर होनी है फुल सर्दी, फुल हैवी वाला सीन है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये तो हम अभी आगे जाएंगे तो वहाँ पे धुंध देखना ही, हालांकि यहाँ भी उतरी हुई है धुंध। वैसे मैं थोड़ा प्यारा लग रहा हूँ, है ना? प्यारा ये लग रहा है मुझे ना, जो पाउडर शाउडर लगाने की ज़रूरत है। और ये जवाब जा रहा है ये ट्रक का टायर फाड़ने, ना जर बेटा ना जर, उसकी हवा ना निकाल, वे इधर हो जा। और वो ट्रक वाला चाय पीने गया, उससे सिर्फ आने की देर है। मैं ट्रक को सही कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले टायर में हवा कम है। सही, ये मतलब उसकी एयर टायर की हवा निकाल दे, ताकि दोनों तरफ हवा बराबर हो जाए। क्या दिमाग है यार तेरा, क्या दिमाग है! 21 तोपों की सलामी है तुझे। और अगर किसी ने पेट्रोल, बस ये हर तोप तेरी तरफ हो, किसी ने पेट्रोल मुफ्त भरवाना है तो ये मेरा पेट्रोल पंप है, आ जाओ। ये सब पेट्रोल पंप है, जल्दी चल, नहीं तो इन्होंने इतना मारना है ना। तो फ्रेंड्स, हम अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं, और गाड़ी हमने ठहराई है पार्किंग में, क्योंकि ना यहाँ पे वहाँ अस्पताल के पास ठहराने नहीं देते, बिल्डिंग के पास, उसके लिए अलहदा इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। और रास्ते में इतनी ज़्यादा धुंध थी ना, और आज मेरे पता नहीं ये होंठ भी ख़राब हुए हैं। तो होंठ असल में ना सर्दी की वजह से खुश हुए हैं, और ये अच्छा हुआ धूप थोड़ी बहुत मतलब निकल आई है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा जो वो थी ना सर्दी, अब कंट्रोल में आई है। और अभी हमने जाना है जवाहर को देखते हैं, गाड़ी में ही बैठना है, क्योंकि ना यहाँ बाहर तो सर्दी है, तो बाहर तो बैठा जाना नहीं, तो गाड़ी में ही बैठेंगे। तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और इसलिए हम अभी यहाँ अंदर आके बैठे हैं। और सीट जो थी ना हमने मतलब पूरी लिटा दी है, और अब लेटे हुए हैं, और जवाहर भी साथ में लेटा हुआ है, और मतलब मेरे साथ नहीं लेटा हुआ, सीट पर लेटा हुआ है, और वो अभी फिल्म देख रहा है, तो सूर्यवंशम, तो इसकी फेवरेट मूवी है। तो अभी मतलब देखेंगे हम कितना टाइम लगता है थोड़ी देर बैठने, ज़्यादा देर बैठने, क्योंकि ना इस पर तो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और तो रो रहा नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, असल में सुबह सुबह उठना ना आप समझ रहे हो तो कितना बड़ा मतलब अजाब होता है। ऊपर से ये मुझे उठा के ले आया कि यार चल चल, मैं बोला चल तो भाई चल फिर। तो बस आज वो चेकअप होने थोड़ा बहुत, तो वो हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आएगा सामने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, तो मतलब हर चीज अब क्लियर है, पथरी जो थी ना अब इंशाल्लाह नहीं होनी। और यार सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे आप यार, अफसोस है यार। तो यार आप सब्सक्राइब भी करो, बहुत जल्दी से आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, बस आपने सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में चल चल के बुरा हाल हो गया, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, और हमें तकरीबन आए हुए 3 घंटे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने थोड़ी देर बैठना, क्योंकि अंदर अभी भी मतलब ट्रीटमेंट चल रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तबीयत सेट हो जाएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला फजल करम फरमाए, अपना रहम फरमाए, इंशाल्लाह जैसे यहाँ से फ्री होते हैं फिर यहाँ से हम जाएंगे वापस। जवाद अब ये सवार में से ना चादर उठा के लाया है, और तो पता नहीं तकिए लाया है साथ में, क्योंकि ना अब हमने यहाँ बैठना जवाज में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है हॉस्पिटल में। तो जवाद
चादर अब यहीं बिछानी है, यहीं बिछानी है यार। चली की कांटी, कांटी में घोड़ा, चादर दा बता घोड़े की दुम पे मारा है तोड़ा। सुर ना बना, गंदे सुर बना रहा है बस। चादर हम बिछाएंगे अब यहाँ पे, और ये मैंने बिछाऊंगा चादर मुझसे बिछवा रहा है। ये मुझे वहाँ बुला रहा था कि इधर आ यार, ये सामान उठा, लेकिन मैं जल्दी से यहाँ भाग के आ गया। मैंने कहा भाई वीडियो बना रहा हूँ, और अब ये चादर मुझसे बिछवा रहा है। बिछा यार, बिछा जल्दी बिछा। ये हम दोनों आलसी हैं, इससे भी काम नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता। हड़ हड़ हड़, सबूतर नहीं उड़ाने बेटा, सबूतर ना उड़ा। तो ना पहले सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम कार में बैठे थे आराम से, लेकिन अब थोड़ी बहुत धूप निकल रही है और सर्दी भी नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा चलो बाहर जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि मुझसे ज़्यादातर ना कार में बैठा नहीं जाता, मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब होने लग जाती है, तो बस इसी यही वजह है। और हमने बस यही कोशिश की कि जितना जल्दी हो सके हम बाहर आके बैठ जाएं। और गाइज इसने जो है ना कार में मैस हो गया था, और मेरे मोबाइल में 70% चार्जिंग, 70। अब मैंने देखिए 10% इसने बचाई हुई है, मतलब मूवीज देख रहा था मेरे मोबाइल पे, और अपने मोबाइल में इसने कुछ भी नहीं देखा क्या कहूँ, क्योंकि ना इसके मोबाइल में चार्ज ज्यादा था और फिल्में डाउनलोड थी, मेरे मोबाइल में फिल्में थी नहीं, तो मैंने दिल से बुरा लगता है भाई। तो मैंने दो फिल्में देख ली हैं, एक इसके मोबाइल में थी सूर्यवंशम, वो देखी है, और एक दूसरी थी धामू, तो वो मैंने देख ली थी, हाफ देख ली थी ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे मतलब वो मैंने हाफ देखी एकदम ये उठ गया, तो फिर मुझे कहता है यार मोबाइल तूने उठाया था, तो मैंने कहा नहीं भाई मैंने तो उठाया नहीं, लेकिन इसे फिर पता चल गया, क्योंकि जब उसमें चार्ज 15% रह गया ना, तो 70 से 5% पे कैसे आया, मैं थोड़ी लाया, खुद ब खुद आ सकता भाई, मैं नहीं ला सकता। तो अभी मेरी जेब में ना सिर्फ ये स्ट्रेप्सल्स है और कुछ है नहीं, तो सुबह का जो हमारा नाश्ता था वो बस इसी से शुरू कर लेते हैं, फिलहाल यही खाते हैं। तो नाश्ते में मैं ये खा रहा हूँ, और जवाब गाने सुन रहा है, तो मैं तो जा रहा हूँ ये खा के सोने, तो फिर आपसे मिलूँगा बाद में। मैं अभी कैफेटेरिया गया था, और वहाँ से अपने लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लाए, तो चिप्स हैं, लेज है, और वाटर बॉटल चेक, और बिरयानी चेक, चूँकि बिरयानी फेवरेट, तो बस फिलहाल हल्की फुल्की मतलब ये नाश्ता हो जाता है। हालांकि इतना सारा सामान लाया हूँ, ये भी अभी हल्का फुल्का है, क्या चीज़ हूँ मैं। तो अभी लेज ही खाते हैं सबसे पहले, और लेज खा के मैं फ्री हो जाता हूँ, तब तक जवाद है, तो मैं सोच रहा हूँ बिरयानी जब वो जवाद के लिए छोड़ देता हूँ, जवाद खा लेता बेचारा बच्चा है यार, तो ये बात नहीं, मेरा दिल बड़ा है, कुर्बानी दे देता हूँ, इसके पैसे मैं लूँगा उससे। तो गाइज अभी अभी हम मुल्तान आ गए हैं मेराब होटल, तो गाइज ये गाड़ी हमने खड़ाई है यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि यहाँ ना खड़ा हो वहाँ खड़ा हो, तो अभी मैं गाड़ी वहाँ खड़ाता हूँ, एक मिनट। बताऊँ मैंने क्या देखा, बस समझ जाओ, लेजेंड माशाल्लाह, आपको पता पाकिस्तानी बहुत है। तो गाइज अभी मैं गाड़ी खड़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है यार। ये तो मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये तो बंद हो रही है, ये मैं मास्क को दे देता हूँ अभी, मास्क यार कुछ कहना चाहो। तो गाइज अब हम अंदर जा रहे हैं, तो बहुत बहुत लगी हुई है, तो फिलहाल सबसे पहले तो भाई मैं अंदर ही जा रहा हूँ ताकि वो खा ले हल्का फुल्का, उसके बाद हमने यहाँ से वापस जाना है। अभी हमने खाना खाया और अब हम पी रहे हैं शुगर फ्री टीम पैक, और यहाँ पे इतना माहौल बना हुआ है ना गरम, इन्होंने फुल आग लगाई हुई है, ये मतलब पूरी सिस्टम बनाया हुआ है निज़ाम मेहराब होटल पे, और इस वक्त तो हम यहाँ पे ये आग सेक रहे हैं और साथ में बोतल पी रहे हैं, तो मज़ा ही हो रहा है मज़ा। और जवाद बैठा हुआ है साथ में, एक शेर हो जाए कि कमा के दौलत मैं अपनी माँ को इतनी ना दे सका, वाह वाह जितने पैसों से वो करे सबको उतार कर, वाह 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 वाह, मुर्शिद कितने गया, मुर्शिद कितने गया। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, अब ये जो स्ट्रॉ में ना बोतल है
तो हमने ये देखना है कि ये बोतल एवेपोरेट होती है या नहीं। तो स्ट्रॉ हमने अंदर डाल दिया है। ओ भाई स्ट्रॉ पूरी गायब हो रही, स्ट्रॉ तो नजर ही नहीं आ रही, इतनी तेज जली है। वो अब जली है। गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया, मजा आ गया। तो अभी यहीं पे बैठे हुए थे, आग वगैरह जो है ना वो चली हुई है, तो बोन फायर है यहाँ पे फुल, मतलब बहुत ही सीन हुआ हुआ है। चेयर्स वगैरह लगी हुई है, एक मिनट ये चेक करो। बस फ्रेंड्स अभी हम वहां से वापस आए हैं और फ्री हो गया, तो काफी थकावट हुई है लेकिन फिर भी हमारे सर में दर्द है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जाना है बाहर, फिरना है, मजे करने हैं। अबू ने सुन लिया, मतलब अभी जाना है बाहर जिम करने हैं और एक्सरसाइज करनी है, स्मार्ट होना है, पेट बड़ो वो मैं फजूल नहीं फिरता। अभी हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और बस बर्थडे घर में सेलिब्रेट किया था, तो टाइम मिला नहीं था हमें तैयार होने का, हालत हमारी ऐसी थी, तो इसी हालत में हम तैयार हुए, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, हो के आ गए।